फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट हो, इसके लिए पर्सनल लोन एक अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पर्सनल लोन ही नहीं, इसके अलावा भी कई दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन कुछ स्थितियों में पर्सनल लोन के साथ साथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आखिर होता क्या है। ये जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इमरजेंसी में पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर हो सकता है, ये भी जान लीजिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह का लोन होता है। इस फैसिलिटी को ज्यादातर बैंक करंट अकाउंट, सैलरीड अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर देते हैं। यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से ही आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है। बैंक से अप्रूवल मिलने के बाद आप अकाउंट में से मौजूदा से ज्यादा बैलेंस पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जितना अमाउंट आप अकाउंट से निकालते हैं उसे एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है और इस पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी लगता है। वही ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक से अप्रूव की हुई पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देना होता है। अब आप अकाउंट से जितना अमाउंट निकाल कर यूज करते हैं सिर्फ उतने अमाउंट पर ही आपको ब्याज चुकाना पड़ता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत मिलने वाले अमाउंट की लिमिट क्या रहेगी ये बैंक और NBFC तय करते हैं। इसके अलावा जितने समय के लिए अमाउंट आपके पास होता है ब्याज भी सिर्फ उतने समय तक ही लगता है। वहीं पर्सनल लोन पर आपको पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होता है। साथ ही यहां लोन का टेन्योर भी एक फिक्स पीरियड के लिए है। पर्सनल लोन पर आपको कोलेट्रल नहीं रखना होगा, बल्कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पर ऐसा नहीं है। क्या आप इस बारे में जानते थे, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर्सनल लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।